और कैस्पियन सागर में ईरान करेगा शक्ति प्रदर्शन। ईरान ने डेलमैन को समंदर में उतारा है। जी हां, शक्ति प्रदर्शन से मिडिल ईस्ट में तनाव। इसराइल हमास जंग के बीच ईरान आज अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। ईरान ने अपनी शक्तिशाली युद्धपोत डेलमैन को समुद्र में उतार दिया है। डेलमैन ईरान का सबसे घातक युद्धपोत है। डेलमैन एक साथ जहाजों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और विमान सहित 100 से अधिक लक्ष्यों का पता लगा सकता है। डेलमैन का वजन 1400 टन। डेलमैन की रफ्तार 56 प्रति घंटा। हाई स्पीड में टॉर्पीडो लॉन्च करने में सक्षम। ईरान के शहर डेलमैन के नाम पर इसका नाम पड़ा। डेलमैन दुश्मन पर अचूक वार करने में माहिर है। ईरान के इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ ईरान इसराइल अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर ईरान में माहौल को और गर्म कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। एक तरफ ईरान इसराइल अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर ईरान ने माहौल को और गर्म कर दिया है।